नाम भूपेंद्र सिंह गुलेरिया है और हिमाचल की धरती मंडी को बिलोंग करता हूँ। जिंदगी के अंदर जहाँ पे चैलेंजेस रहते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी रहती है, और जहाँ चैलेंजेस नहीं होते वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी कम होती है, ये मेरा मानना है। वेस्टिज को जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले शुरू में कि वेस्टिज इसको तो हम 4 साल पहले करके बंद कर चुके हैं, और कुछ लोग हमारे साथ ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि आप जो जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी काम कर लो, हमने सिस्टम को A to Z समझा है और 7 साल इसमें लगाए हैं कि लोगों के सोचने से कुछ नहीं होगा। लोग ये सोचते हैं भगत सिंह पैदा हो जाए लेकिन दूसरे के घर में, मेरे घर में पैदा ना हो, दूसरे के घर में पैदा हो। तो हमें करना क्या है कि आपको भगत सिंह बनना पड़ेगा पहले। अगर आप तैयार हो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप वेस्टिज में सक्सेस ना हो सकें। तो दोस्तों, वेस्टिज एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। जब मैं इसमें नया आया था तो मुझे लगता था कि शायद जो लोग फेलियर हैं या जिन्होंने 5-6 साल वेस्टिज करी वो सक्सेस नहीं हुए, तो एक माइंड के अंदर एक पॉइंट आता था कि पता नहीं, हो सकता है ये लोग सच हों, हो सकता है आपके माइंड में भी क्वेश्चन आए। लेकिन जब इस काम को करना शुरू किया एक सिस्टम के साथ, सिस्टम से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम सिस्टम से बाहर चले जाते हैं तो क्या होता है कि हमें बिजनेस में मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं। और ये आप जब भी सिस्टम में आते हो, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप ज़्यादा लोगों को ना पकड़ के कुछ एक लोगों को डिसाइड कीजिए कि इन लोगों को सपोर्ट करना है। ज़िंदगी में क्या होता है, वेस्टिज बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के अपनी मार्केट इतनी ख़राब कर लेते हैं कि वो बोलते हैं यार मेरा प्लाई तो सपोर्ट करता नहीं, मैंने उसके साथ ज्वाइन किया था। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग आए वेस्टिज के अंदर जो पिछले 4-5 साल पहले किसी और टीम में काम कर चुके थे, वेस्टिज का प्रोडक्ट यूज़ करते थे, लेकिन जब उन्होंने हमारे साथ करना शुरू किया, वेस्टिज को इस टीम चैम्पियन सिस्टम के साथ जुड़े, तो पिछले लगभग 1 साल में मेरे पास लगभग 100 लोग ऐसे हैं जिनके इनकम चेक 20,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक के हैं दोस्तों। और ये सारा कैसे हुआ, ये सारा हुआ जब हमने कल्चर दिया कि जिसको हम लेके आए उसको सपोर्ट करें, जिसको हम लेके आए उसका ड्रीम सेट करें, जिसको हम लेके आए उसका गोल सेट करें। जब तक आप लोगों को भरते रहोगे, बाली साहब ने कल एक बहुत अच्छी बात कही है कि घोड़े लेके आने हैं, और वो शादी वाले घोड़े नहीं, ठीक है, अच्छे लोगों को लेके आना है और उनकी सपोर्ट करनी है। जब तक मेरा फोकस, जब तक आपका फोकस ये नहीं होगा कि मैं कुछ लोगों की सपोर्ट करूंगा, तब तक आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़, अगर मैं बिजनेस में नया हूँ और मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट कर रही है, तो मुझे भी ये समझना चाहिए कि अगर मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट कर रही है तो मैं भी इस सिस्टम की पावर को समझूं और उसके साथ मिलकर काम करूं। जोशी जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि 3 पहियों पे गाड़ी नहीं चलती, 4 पहिए चाहिए और चारों के स्पीड बराबर भी चाहिए। और अगर मैं बिजनेस में हूँ और मेरी अपलाइन की स्पीड ज़्यादा है, अगर मैं उसके साथ अपनी स्पीड मैच नहीं करूँगा, तो कहीं ना कहीं मैं बिजनेस को घसीटूँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप जितने भी लोग हैं, एक सुजेशन देना चाहूँगा कि अपने अपलाइन के साथ ऐसे जुड़ जाएं कि अपने अपलाइन की गाड़ी का कम से कम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पहिया जरूर बने। और दोस्तों, इस बिज़नेस में ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, 5 से 6 लोगों की मदद करनी है। शुरू में आप 4 लोगों से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 से 6 लोगों को सपोर्ट करके आप इस बिज़नेस में बहुत बड़ा नाम बना सकते हो। कुछ लाइनों के साथ मैं ख़त्म करूँगा, जब तक ना हो सफल, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, और दोस्तों, ज़िंदगी में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।